23 जून को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें मायावती को शामिल नहीं किया गया। या तो विपक्षी दल मायावती को बायकॉट कर रहे हैं या फिर मायावती ने पहले से ही बोल दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हो रही हूँ। हो सकता है कि मायावती ये सोच रही हूँ कि जिस अखिलेश यादव से मेरी सियासी दुश्मनी यूपी में है उनसे हाथ मिला लिया तो जनता को क्या जवाब दूंगी। खैर, जिस दिन यह बैठक चल रही थी उसी दिन सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया। राजभर ने पहले तो विपक्षी दलों के बैठक वाली इस पहल की तारीफ की, कहा कि बढ़िया पहल है लेकिन इसमें मायावती को भी जोड़ना चाहिए, मायावती को मनाया जाए, अगर वो नहीं माने तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। सुनिए, पहल तो आज अच्छी है, अब वहाँ जो बैठक में तय होता है बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें, अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं को कहें कि भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। तो बोल दिए राजभर कि अब मायावती को बनाया जाए पीएम पद का उम्मीदवार, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जहां राहुल और नीतीश कुमार जैसे लोग पहले से तैयारी में लगे हैं, क्या मायावती का नंबर संभव है? कुछ लोग राजभर के इस बयान को तंज के रूप में देख रहे हैं तो कुछ लोग ये मान रहे हैं कि राजभर मायावती के हिमायती बन रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अखिलेश यादव के बुलावे से राजभर को धक्का लगा है इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन में उनके शामिल होने की संभावना ना के बराबर है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि राजभर ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा? इसके बारे में कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।